फीफा पूस्ट, पहले तो 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए, सेलिब्रेशन चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आप सब लोग सेलिब्रेशन में ज्वाइन हुए और मुझे भी मौका मिला इस सेलिब्रेशन में ज्वाइन होने का, बस मैं खुश हूँ क्योंकि उसकी सबसे पहले होती है एंड आई एम हैप्पी दैट जब ये शो ऐसे मुकाम पे पहुँचा कि आज वो 100 एपिसोड बना रहा है तो मैं इस शो के साथ जुड़ूंगी। ओके, आप जैसे शो के बीच में जुड़ी हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं या फिर आपको लगता है प्रेशराइज थोड़ा सा फील तो कि शो के बीच में से ज्वाइन करना? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक अगर आपका किरदार जो है वो बहुत अच्छे से लेड है एंड और डेफिनेटली पॉल मैम इज़ अ वेरी गुड राइटर, सी इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो अब जैसे कि मैं आपको अगर बताऊँ कि जब मुझे पता चला कि ये शो जो है वो पॉल मैम का लिख रहे हैं, उनका बेबी है एंड शकुंतलम टेलीफिल्म्स के साथ एनी विच वेज मैं 16 साल पहले काम कर चुकी थी, तो ये प्रोडक्शन हाउस तो वैसे ही बहुत अच्छा है एंड पॉल मैम बहुत अच्छे शोज लिखती हैं, मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी एंड मैं बहुत खुश हूँ कि शो के जरिए मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन इज दैट इफ आई नो दैट पर्ल मैम इज़ राइटिंग द शो देन आई विल नॉट थिंक ट्वाइस, आई विल इमीडिएटली एक्सेप्ट द कैरेक्टर, एक्सेप्ट द शो बिकॉज आई नो दैट वॉट एवर शी राइट्स, वॉट एवर शी क्रिएट्स इज वंडरफुल। तो एज एन एक्टर मुझे बस अपना 100% देना है एंड आई नो कि जो भी आएगा ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन के हिसाब से वो डेफिनेटली दर्शकों को पसंद आएगा। ओके, आपके किरदार के बारे में ऑडियंस को कितना का कुछ बताना चाहेंगे आप? स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से हाउएवर द स्टोरी लाइन इज गोइंग एंड जैसे भी हम सब करेंगे तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं जो कि जाहिर सी बात है कि तड़के के बिना तो वैसे भी हर एक शो हर एक कहानी अच्छी है। तो यस आई एम गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ तड़का फॉर श्योर, लेफ्ट ट्रायंगल लाइक ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब वो क्या है कैसे वो आपको वेदिका के साथ पार्थ के साथ मीरा के साथ छोड़ेगा इस कहानी के जरिए वो तो आपको वक्त ही बताएगा जब आप शो देखेंगे। तो बट आई एम रियली हैप्पी कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, पीपल आर लाइक इट, सो थैंक यू सो मच। सो कहीं ना कहीं हमें लव ट्रायंगल देखने को मिल सकता है ऑडियंस को? आई डोंट नो क्या देखने को मिल सकता है बट धीरे धीरे जैसे स्टोरी और कहानी डेवलप होगी तो वो ग्रेजुअली दर्शकों को आई एम 110% श्योर कि वो जुड़ेगी बिकॉज पार्थ इज अ ब्रिलियंट एक्टर, देन लीड्स का ले लो, मीरा इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी क्यूट, ही हैज़ अ नाइविटी, एक इनोसेंस है उनके चेहरे पे एंड देविका का कैरेक्टर जैसे है द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, सक्सेसफुल वुमेन, अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स से जीती है एंड शी नोज शी वॉक्स व्हाट शी टॉक्स, तो उसे सब पता है जैसे आजकल की बिजनेस वुमेन्स होती वेरी टुडेज वुमेन। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ एक अच्छी केमिस्ट्री ज़रूर क्रिएट करेगा फॉर द ऑडियंस। ओके, ऑडियंस आपके हर किरदार को इतना प्यार दिया, क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे? थैंक यू, यही कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच, हमेशा प्यार दिया और ये आई हो और ले रही हो इस शो में भी, प्लीज़ मेरा जो किरदार है दीपिका वासु का अपना प्यार बरकरार रखना, अपनी ब्लेसिंग्स बरकरार रखना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही से हम हैं एंड शुक्रिया आपका कि आपने हमेशा साथ दिया है एंड शुक्रिया आपका भी कि आप लोगों के जरिए हमारा और हमारी ऑडियंसेस का साथ जो है वो जुड़ा है। थैंक यू सर, थैंक यू।